स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स 101 चैनल। आप लोगों की रिक्वेस्ट पर आज हमारे साथ हैं प्रोडिजी टॉपर आबिस नकवी। सो आबिस ने क्लास 9th का जो प्रोडिजी था वो टॉप किया था। ही इज इन क्लास 10th, ही इज फ्रॉम नोएडा। करंटली इस साल उनके जो टारगेट्स हैं वो हैं NTSC बोर्ड और PRMO, अगर होता है तो PRMO, उसके अलावा NSEP का भी वो ओरिएंटेशन ले रहा है। सो दोस्तों, मेरा नाम है प्रशांत जैन, AIR 42, JEE 2008, BTEC IIT बॉम्बे, INCHU गोल्ड मेडलिस्ट, NTSC क्वालिफाइड, मेंटर ऑफ 20,000 प्लस स्टूडेंट्स इन लास्ट 5 ईयर्स, नेशनल ऑथर पियर्सन एजुकेशन। सो बिफोर स्टार्टिंग कुछ चीजें आप लोग को बता देनी है। वो ये है कि अगर आप लोग मेरे लेक्चर सुनना चाहते हैं, यूट्यूब पर मुझे फॉलो करना चाहते हैं, तो मैथ्स 101 चैनल इज योर फाइनल डेस्टिनेशन। @PRMO2020 ये मेरा टेलीग्राम चैनल है दोस्तों, जिसको आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। और ये प्रशांत जैन ऑफिशियल, मतलब ये मेरा एक ऑफिशियल चैनल है। मैथ्स 101 पे मैं 2:45 PM पे आप लोगों को JEE पढ़ा रहा हूँ, 6:45 PM पे आप लोगों को PRMO पढ़ा रहा हूँ। सो मैथ्स और मैथमेटिक्स के ये मेरे कुछ कोर्सेज हैं जो चल रहे हैं। ऊपर के जो दोनों कोर्सेज हैं वो JEE प्लेटफॉर्म पे चल रहे हैं, नीचे वाला जो कोर्स है वो फाउंडेशन प्लेटफॉर्म पे चल रहा है। अभी जुलाई मंथ के लिए 8:45 PM to 10 PM मैं आप लोगों के लिए लेके आ रहा हूँ क्या स्पेशल क्लासेस। स्पेशल क्लासेस दोस्तों ऐसा फीचर है जो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है और आप लोग इसको एक्सेस कर सकते हैं हमारे अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर, राइट। अगर आप लोग प्लस सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, मुझसे पढ़ना चाहते हैं, आबिस के साथ पढ़ना चाहते हैं, तो आप लोग ले सकते हैं डेली लाइव क्लासेस, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, अनलिमिटेड एक्सेस, एवरीथिंग यू विल गेट एट अ वेरी अफोर्डेबल प्राइस। एंड प्राइस आपके सामने है, PJ लाइव कोड यूज करके 10% डिस्काउंट और मिल जाएगा, राइट। सो अब हम लोग स्टार्ट करेंगे विदाउट एनी डिले। बस आप लोग ये याद रखिए, अगर सब्सक्रिप्शन लेना है तो PJ लाइव से लेना है, चलिए ठीक है। चलिए, सो अब आबिस, सबसे पहले यार थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन। हेलो एवरीवन, माय नेम इज आबिस नकवी। कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं आप लोग? बिल्कुल भाई, सब बढ़िया है भाई, सब बढ़िया है। अब तू ये बता कि 10th क्लास में नोएडा में है तू, ठीक है। सो एक मोमेंट आता है हर एक स्टूडेंट की लाइफ में जब वो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी करता है, स्कूल एग्जामिनेशन नहीं, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की। तो वो मोमेंट तेरी लाइफ में कब आया था? मेरी लाइफ में वो मोमेंट 6th क्लास में आया था, आई थिंक सो। जब वो SOF, सिल्वर जोन, इन सब के ओलंपियाड 6th क्लास से शुरू होते थे, तो मैंने रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर दिया, सभी भर रहे थे। अच्छा। और जब मैंने उसे भरा तब, और फिर जब मैंने पेपर दिया तब उसका लेवल काफी ज्यादा हाई था, स्कूल एग्जाम से काफी ज्यादा हाई। फिर मैंने उसी हिसाब से तैयारी करनी शुरू करी और फिर रैंक अच्छी होती गई ऐसे। सो इफ यू वांट टू डिस्क्लोज द रैंक, 6th क्लास में क्या थी, 7th क्लास में, ताकि प्रोग्रेस पता चल सके। 6th क्लास में मेरी इंटरनेशनल रैंक कुछ 100-200 होगी, उसके बाद 7th क्लास में, 8th क्लास में वो इंप्रूव होती गई, आज मैं स्कूल टॉपर हूँ और सारे अच्छी रैंक भी आ जाती है कभी कभार। चलो बढ़िया यार। तो एक, अब देखो क्या होता है कि सबसे पहले मैक्सिमम जो स्टूडेंट्स है ना, जो जिनको मैं जानता हूँ, जो अर्ली स्टार्ट करते हैं ऑब्वियसली, क्योंकि 5th-6th क्लास के अंदर और कुछ एग्जामिनेशन होते नहीं है, सो दे स्टार्ट अप विद प्राइवेट ओलंपियाड लाइक यू, राइट। अब पहला जो तेरा गवर्नमेंट एग्जाम का एक्सपोजर है वो PRMO है, राइट, जो तूने पिछले साल दिया। यू डिड नॉट गिव NACJS, राइट? नो, NACJS का तुझे पता नहीं था या फिर व्हाट वाज दैट? नहीं पता था, लेकिन मैं गए नहीं, मैंने कहा छोड़ो, और रजिस्ट्रेशन फॉर्म निकल चुके थे, लेकिन जब मुझे पता चला तब आखिरी डेट आ ही चुकी थी, मैंने भरा ही नहीं फिर बाद में। अच्छा, मतलब यू डिड नॉट प्रिपेयर फॉर इट, और मतलब क्या रीजन था कि तूने नहीं भरा? नहीं, प्रिपेयर भी नहीं किया और रजिस्ट्रेशन डेट भी खत्म होने वाली थी, बस लास्ट डेट जब थी ना रजिस्ट्रेशन की तब पता चला, और फिर तेरे को आलस आ गया। कल करेंगे। और कल के लिए एलिजिबल था नहीं तो। ओके, सो NACJS जनरली NACJS बच्चे टारगेट करते हैं, फिर PRMO करते हैं। लास्ट ईयर तूने PRMO टारगेट किया, सो हाउ डिड यू स्टार्ट, हाउ वाज द जर्नी? PRMO के लिए मैंने स्टार्ट आज ही किया था, 15 जुलाई के दिन ही मैंने स्टार्ट किया था। अच्छा। वो हमारी कोचिंग में भी PRMO का कोर्स स्टार्ट किया था, उन्होंने आज एक एलिजिबिलिटी टेस्ट लिया था जिसमें मेरा सिलेक्शन हो गया लकीली।
उसके बाद उनकी हफ्ते में हर हफ्ते 2-3 क्लास होती थी, उसमें वो टेस्ट देते थे और मटेरियल प्रोवाइड करते थे, बस मैंने उसी को करके पीआरएमओ दे दिया। अच्छा, कूल है, कूल है। तो मतलब तूने बेसिकली क्योंकि अगस्त में ही था, तूने 11 अगस्त को दिया होगा राइट? हाँ 11 अगस्त। हाँ तो 25-26 दिन में यू वर एबल टू क्लियर। कितने नंबर आए थे? मेरे 23 मार्क्स आए थे को मैंने आपको लाइव देखा था और आपके पीआरएमओ के भी लेक्चर्स फॉलो किए थे। बस एक हफ्ते पहले मैंने ज्योमेट्री देख ली थी, उससे एक क्वेश्चन सही भी हो गया था। अरे वाह, चलो बढ़िया। तो मतलब से जो मेरा साल का जो आखिरी दिन था 31 दिसंबर को आई रिमेम्बर आबिस से सब्सक्रिप्शन लिया था अन अकेडमी जेई का, ठीक है। और अन अकेडमी जेई का सब्सक्रिप्शन इसने इसीलिए लिया था क्योंकि फाउंडेशन की जो इसकी नीड्स थी वो सारी इसकी जो कोचिंग है उससे पूरी हो रही थी, तो इस वजह से आबिस ने मतलब जेई का सब्सक्रिप्शन लिया था, ठीक है। फिर पीआरएमओ की क्लासेस ये रेगुलरली करता ही था। और मतलब जो मैंने जो चीज देखी है, लाइक ही हैज अ स्ट्रेंथ इन मैथमेटिक्स, तो क्या मैं सही हूँ आबिस? यस सर, मतलब एक्सेप्ट ज्योमेट्री। हाँ एक्सेप्ट ज्योमेट्री, राइट। सो दोस्तों देखो, हर एक जो मतलब टॉपर होता है तो उसकी क्या एक स्ट्रेंथ होती है, जो मतलब उसको अगर मैं ऐसा कहूं कि अगर उसको रात को उठा के भी पूछा जाएगा ना उससे रिलेटेड क्वेश्चन, तो वो जवाब दे देगा रात को 3 बजे जब सबसे ज्यादा डीप स्लीप होती है, तो उस समय भी अगर उठा के पूछा जाए तो मैथ्स के क्वेश्चन सही कर सकता है आबिस। सो मैथमेटिक्स इसका स्ट्रेंथ है। और अब अपन बात करते हैं इस साल के टारगेट्स की, ठीक है। सो जैसे अभी कुछ दिनों पहले अपनी बात हो रही थी कि यार सर 10th बोर्ड का क्या करना है, कैसे करना है, राइट। सो ये एक इशू है यार, ये मैं भी मानता हूँ कि ये जो एक इशू है ना 10th बोर्ड वाला, वो आता ही आता है। अब अपन लोग डिस्कस करते हैं इस साल के टारगेट्स के बारे में, राइट। सो यू आर इन क्लास 10th, ठीक है। 10th क्लास में जैसा हम लोग का डिस्कशन हो रहा था कि भाई NTSC टारगेट है, प्री आरएमओ टारगेट है, बोर्ड्स टारगेट है और NSEP टारगेट है, राइट। मतलब मैं ये चीज जानना चाहता हूँ कि सबसे पहले तो इनकी प्रायोरिटी क्या है और हाउ आर यू एबल टू मैनेज मल्टीपल टारगेट्स। मैं सच बताऊं तो मल्टीपल टारगेट्स अभी मुझसे ही मैनेज नहीं हो रहे हैं। अगर मैं सच बताऊं तो अभी फर्स्ट प्रायोरिटी पे मेरा NTSC है, सेकंड प्रायोरिटी पर PRMO और थर्ड प्रायोरिटी पर NSEP। क्योंकि क्या है ना, ये प्रायोरिटी देना भी एक बहुत इम्पोर्टेंट टास्क होता है। क्योंकि मैं खुद अपनी सिचुएशन बताऊं, दो महीने पहले तो मैं भी NSEP की तैयारी कर रहा था, उस वजह से मेरी NTSC की भी प्रिपरेशन हैम्पर हो रही थी। उस हिसाब से फिर मुझे पता चला कि मैं NTSC के हिसाब से सिर्फ NSEP की वजह से पीछे हो गया हूँ। तब मैंने खुद ऐसा एक टाइम टेबल बनाया और अब मैं NSEP को अब कम प्रायोरिटी दे रहा हूँ और PRMO और NTSC को ज्यादा। क्योंकि NSEP ऐसी चीज है जो आप 10th में, 11th में, 12th में कभी भी दे सकते हैं, लेकिन NTSC आप 10th में ही दे सकते हैं और PRMO भी आप 11th 12th में दे सकते हैं, लेकिन वो आप डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे नॉन रूटीन मैथ से अगर बोर्ड्स के आज रिजल्ट आने वाले हैं क्योंकि, और अगले साल तू देने वाला है, रिड्यूस्ड सिलेबस में तू पेपर देने वाला है। तो बोर्ड्स का तो सर मुझे खुद इतना टेंशन है, पता नहीं बोर्ड्स का क्या होगा। मैं खुद
मतलब इतने टेंशन में रहता हूँ कि क्या होगा बोर्ड्स का, मतलब प्री आर एम ओ एनटीएससी। अब चाहे हम कितना भी कह ले टाइम टेबल के बारे में, रियलिटी ये है कि आखिर में मैनेज नहीं हो पाता है इतनी सारी चीजें, है ना। इसलिए बोर्ड्स के लिए ना टाइम टू टाइम एनसीईआरटी और एग्जाम्पलर सॉल्व करके रहना चाहिए। तो आई मीन आप उस टेंशन से बाहर आ जाएंगे कि अब मेरा बोर्ड्स का क्या होगा, अब इतने से महीने रह गए हैं, अब मैं क्या करूंगा। क्योंकि ऐसे टेंशन से, मतलब पेरेंट्स को भी ऐसे टेंशन से बाहर आने की वजह से, ऐसे टेंशन से बाहर आने के लिए आप बस ये करते रहिए, आपका काम हो जाएगा। ओके सो यार है ना, अब थोड़ा सा इसके बारे में बात करते हैं कि यार मतलब एक क्या होता है कि काफी टाइम से मुझे स्टूडेंट्स बोल रहे हैं, मतलब मेरे पास कुछ क्वेश्चंस हैं तेरे लिए जो स्टूडेंट्स ने मुझे बताए थे, तो मैं निकालता हूँ एक मिनट उन क्वेश्चंस को। ठीक है, हाउ मेनी आवर्स डू यू स्लीप? हाउ मेनी आवर्स डू आई स्लीप? 8 to 9, उससे भी ज्यादा हो जाते हैं कभी कभार। 8 to 9, अभी सही है? हाँ सच में। अच्छा। आज ही उठ गया जल्दी आपकी वजह से। चलो ओके सो ओके सो दिस इज वन। हाउ मेनी आवर्स डू यू स्टडी? हाउ मेनी आवर्स डू आई स्टडी में ये एक बहुत ही सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। आप ऑब्जेक्टिव में, जैसे मैंने स्लीप में बता दिया कि 8 to 9 hours, आप स्ट्रेट अवे ये बात नहीं कह सकते क्योंकि किसी दिन ज्यादा हो जाता है, किसी दिन कम हो जाता है। जैसे अगर आपने ये ध्यान रखा है कि आज प्रशांत सर ने मुझे एक ज्योमेट्री की डीपीपी दी है, मैं इसे करके ही सोऊंगा, तो उसे करो पूरे दिन, मतलब उसमें कितने भी घंटे लगे उसकी चिंता मत करो बस, लेकिन वो हो जाए उसके बाद टेंशन फ्री रहो, उसके बाद वही नॉर्मल रूटीन, पढ़ना है तो पढ़ो, मत पढ़ना है तो मत पढ़ो। ओके सही है। अच्छा अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इसने आबिस ने प्रोडिजी के लिए क्या एक्स्ट्रा प्रिपरेशन की थी? प्रोडिजी के लिए तो मतलब प्रोडिजी में कोई एक्स्ट्रा प्रिपरेशन नहीं थी। मैं तो सच में मानता हूँ कि उस दिन मेरी किस्मत अच्छी थी। अच्छा। मेरी किस्मत अच्छी थी और बस लेट्स क्रैक फाउंडेशन एंड एनटीएससी वाली टीम ने वो जो मॉक टेस्ट कराए थे उसमें भी मैंने पार्ट लिया था, और प्रोडिजी के दिन बस वो जब मैंने रिवाइज किया था 2-3 क्वेश्चन सही हो गए, उसके अलावा और कोई मेरी किस्मत अच्छी नहीं थी, वरना मैं ऐसे ही नॉर्मल आदमी था जैसे मैंने बताया 8-9 घंटे सोने वाला। सही है सही है सही है। एक्चुअली क्या है ना, देखो जैसे प्रोडिजी का मैं बताता हूँ दोस्तों, प्रोडिजी के दिन क्या हुआ था। सो प्रोडिजी का पेपर हो रहा था, ऑब्वियसली मैं भी वेट कर रहा था कि भाई क्या रिजल्ट आएगा, तो अब इसका मुझे मैसेज आता है कि सर फर्स्ट रैंक करके 234 राइट 234 आया था ना तेरे पास? 232। हाँ तो सर टॉपर के 232 है, मेरे भी 232 है, तो क्या सर इसका मतलब मैं टॉपर हूँ? फिर मैं कुछ और काम कर रहा था शायद कि तो मैं रिवर्ट नहीं कर पाया, तो फिर आबिस ने खुद नहीं बोला हाँ सर मैं ही टॉपर हूँ। मैंने कहा वाह। तो इसको खुद को विश्वास नहीं हो रहा था कि लाइक ही इज दी टॉपर, बट देन ही टॉप्ड एंड देन ही हैड अ वेरी नाइस इंटरेक्शन विद राहुल द्रविड़ एज वेल। सो वर यू एबल टू आस्क क्वेश्चन? नो, उनसे सिर्फ सिलेक्टेड बच्चों ने क्वेश्चंस पूछे थे, मेरा उन्होंने सिलेक्ट नहीं किया। अच्छा 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 ओके ओके कूल है कूल है। तो बट लाइक इट वाज, मतलब उस दिन का जो परफॉर्मेंस था ना उससे काफी हीरो बन गया आबिस, ठीक है, और मतलब सबकी लाइमलाइट में आ गया। तो जब भी बता उसके बाद से यूट्यूब चैट में आता ना आबिस, सब लोग का ध्यान प्रशांत सर से हटके आबिस पे चला जाता है। तो मैंने सोचा कि यार अब बच्चों की जो क्यूरियोसिटी है उसको खत्म करते हैं। ठीक है चलिए, तो अब हाँ लास्ट क्वेश्चन जो बच्चों ने पूछा हुआ है वो ये है कि मतलब आने वाले टाइम में आप जेई करने वाले हो या नीट करने वाले हो? जेई करेंगे, नीट थोड़ी। बायो में आज से ही हमें, मतलब बायो आज से क्या, पहले से इतना डर लगता है बायो से, बस टेस्ट के पहले पढ़ ली थी थोड़ी, उससे लाइमलाइट में भी आ गया, काम भी हो गया। हाँ ये सही है भाई, ये है भाई, ऐसी किस्मत भगवान सबको दे, मतलब मेरी खुद की भी रह चुकी है ऐसी किस्मत, ऐसी बात नहीं है। मतलब जब मैंने पीटीटी टॉप किया था, ठीक है, तो जब मेरी पीटीटी में फर्स्ट रैंक आई थी तो मेरा एग्जैक्टली सेम रिएक्शन था कि भाई मतलब हो गया बस, कैसे हुआ मेरे को भी नहीं पता,
बट हो गया बस। बहुत सही में काफी मजा आया तेरे से बात करके, और मेरे हिसाब से स्टूडेंट्स की जो मैक्सिमम क्वेरीज हैं वो हम लोगों ने एड्रेस कर ली हैं। उसके अलावा भी जो भी क्वेरीज होंगी बच्चों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है आप कमेंट पे डाल देना, बिकॉज इट्स अ प्रीमियर वीडियो, इट इज गोइंग टू बी अ प्रीमियर वीडियो, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में डाल देना ये सारे कमेंट्स, मैं आप इसको भेज दूंगा, आप इस कोशिश करेगा रिवर्ट करने की हर एक कमेंट को, ठीक है। और दोस्तों एक चीज मैं बता देता हूँ, जो भी टॉपर्स होते हैं, मतलब मैं खुद भी वन ऑफ द टॉपर रह चुका हूँ, आप इसको भी मैं देखा हूँ, और भी बहुत सारे बच्चे हैं जिनको मैं देख रहा हूँ अभी जो टॉप करते हैं, तो मैं आप लोगों को कुछ चीजें कॉमन बताता हूँ, ठीक है। एक ये है कि वो रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं पढ़ते, मतलब ऐसा नहीं कि भाई, मतलब जैसे आप इसने कभी पढ़ा होगा ना, तो ऐसा नहीं कि भाई मेरे को प्रोडिजी में फर्स्ट रैंक लानी है तो मेरे को पढ़ना है, ठीक है। दे इंजॉय दी जर्नी। जर्नी क्या होती है? कोई भी सब्जेक्ट को पढ़ना, उस सब्जेक्ट का होमवर्क करना, उस सब्जेक्ट का रिविजन करना, ठीक है, फिर उसके जो डाउट्स हैं उसको टीचर से पूछना, और डाउट्स क्लियर होने के बाद एक वाओ फीलिंग लेना, राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो स्टूडेंट्स को होती हैं, जो मैंने ऑब्जर्व की हैं, ठीक है। उसके अलावा यहाँ मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा। क्या है ना, टेस्ट जो है स्टूडेंट को हमेशा देते रहने चाहिए। फिर वो टेस्ट से ना वो डर खत्म हो जाता है। जैसे जैसे आप प्रशांत सर को देख लो, उनकी रोज सेशन होते हैं, उन्हें डर नहीं लगता। हाँ लेकिन अभी मैं बैठा हूँ, मुझे डर लग रहा है कि अगर मैंने कुछ गलत बोल दिया तो मेरा क्या होगा, है एग्जैक्टली, इट इज ना। ऑल अबाउट हैबिट, हाँ इट इज ऑल अबाउट हैबिट, बिकॉज लाइक आई एम टेकिंग सेशंस एवरी डे, सो इट इज वेरी नेचुरल फॉर मी, राइट। सो उसी तरह से अगर आप रेगुलरली टेस्टिंग करते हैं तो वो चीज होनी चाहिए। बाकी मैं एक चीज बता दूं दोस्तों, ओवर टेस्टिंग भी नहीं होनी चाहिए। अभी आप लोग को मैं बता दूं कि अभी कुछ दिन पहले ही मेरी आबिस से बात हो रही थी, मैंने आबिस को बोला था कि भाई अब तू यूट्यूब पे नहीं दिखना चाहिए, ठीक है। और उसका रीजन बहुत सिंपल था, उसका रीजन बहुत सिंपल था कि भाई अनअकैडमी का इसने प्लस सब्सक्रिप्शन ले ही रखा है, ठीक है, इसको भी मजा आता है पता है, मतलब जा जाके मेंटी टॉप करना इसकी हॉबी है ये तो मतलब इस वजह से ये मतलब जाता है। ऑल्दो देखो उसमें कोई हार्म नहीं है, और बट पॉइंट ये है कि इसके इतने सारे टारगेट्स हैं, मल्टीपल टारगेट्स हैं, और उसके लिए एक एक आवर इसके लिए इंपॉर्टेंट है, प्रोवाइडेड 8 से 9 घंटे सोना भी है, तो इसलिए हर एक जो आवर है वो काफी इम्पॉर्टेंट है। तो मेरे हिसाब से दोस्तों मतलब कोई ऐसा नहीं होता कि भाई कोई बच्चा बिल्कुल गॉड गिफ्टेड होता है और मतलब हर एक एस्पेक्ट में बहुत अच्छा कर रहा होता है, ठीक है। क्योंकि अगर देखो कोई गॉड गिफ्टेड हो तो वो हर जगह बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा, ठीक है। और आबिस भी काफी जगह अच्छा परफॉर्म करता है बट कुछ जगह नहीं भी कर पाता है, बिकॉज ही इज अ ह्यूमन बींग हु इज अ वेरी हार्ड वर्किंग बॉय। मैं एक चीज अगर बोलूं आबिस के लिए, ही इज अ हार्ड वर्किंग बॉय। और मतलब इसने एक चीज बोली थी मुझे कि सर मैं कभी कभी काम कल के लिए छोड़ता हूँ, बट वो कल मैं डेफिनेटली करता हूँ, मतलब परसों, वो कल का परसों नहीं होता। ये एक बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है आबिस की, विच आई रियली लाइक। आबिस, एनी लास्ट मैसेज दैट यू वॉन्ट टू गिव टू आवर व्यूअर्स? लास्ट मैसेज यही रहेगा कि अगर आपको एग्जाम में जाना है तो आपकी जो प्रिपरेशन है वो सिर्फ 40% मैटर करती है। और लेकिन अगर आपकी एग्जाम के दिन किस्मत अच्छी हुई, अगर किस्मत अच्छी हुई जैसे प्रोडिजी में मेरी थी कि मैंने जो मेरे गलत पहले क्वेश्चन कर रखे थे वो मैंने सही कर लिए, अगर वो आपकी किस्मत सही है और आप प्रिपरेशन भी अच्छी से करते हो तो आपको कोई रोक नहीं सकता। आपकी भी रैंक 1 आ सकती है। सही, बिल्कुल सही जवाब। मेरे हिसाब से तो दोस्तों एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और रियलिस्टिक मैसेज था ये, ठीक है। आई होप दोस्तों आप लोगों को ये इंट्रैक्शन बहुत अमेजिंग लगा, ठीक है। तो मेरा तो बस यही रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से, सभी बच्चों से, कि जो आबिस ने कहा है, ठीक है, वो अपनी लाइफ में आप इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। मतलब मैंने जब भी आबिस से बात की ना, आबिस से कभी ये नहीं सुना कि भाई सर ये बच्चा इतना अच्छा परफॉर्म कैसे करता है, सर मुझे कुछ टिप्स दे दो कि इस बच्चे को मैं डिफीट कर पाऊं, कभी भी मैंने आबिस से ये बातें नहीं सुनी, राइट। कभी भी मैंने आबिस को अपने आप को किसी और से कंपेयर करते हुए नहीं सुना, ठीक है ना। आबिस बस ये चीज बोलता है कि सर मेरा मतलब मेरा खुद का सब्जेक्टिव में, मतलब आंसर राइटिंग में इशू है, तो ही इज वरिड अबाउट हिज ओन स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस, नॉट अबाउट अदर्स स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस। दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। जैसा मैं भी काफी बार बोल चुका हूं,
अलग अलग तरीके से बोल चुका हूँ, इस बार आबिस को बुला के भी सेम चीज बोली है आबिस ने भी, कि भाई अपने आप पे फोकस करें, अपने आप को प्रायोरिटाइज करें एंड फिर रिजल्ट बहुत अमेजिंग आता है। सो थैंक यू आबिस फॉर ज्वाइनिंग अस, लोगों की डिमांड पर इंटरव्यू देने के लिए।